हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हाफ के जी वेनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी। बेसिक केक की रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया केक बना हुआ है। चीज़ों को मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगी कि कैसे लेनी है चीज़ें, किस तरह से केक की बैटर बनानी है, कैसे बेक करना है, किस चीज़ों का ध्यान रखना है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। मेरी चैनल यकीन मानिए बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सिखा चुकी हूँ, जैसे केक्स, चॉकलेट्स, डेजर्ट्स, मिठाइयाँ, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। यहाँ हाफ के जी का केक बन रहा है, तो मैं यहाँ 5 इंच की टिन ले रही हूँ। इसे हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। हाफ के जी केक के लिए आपको करीबन 5 या 6 इंच की बेकिंग टिन लेनी है। इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दें और अच्छे से इसे ऑयल से ग्रीस करें। ध्यान रहे, अगर आप अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे तो वहाँ आपको केक चिपका हुआ मिलेगा, बेक नहीं होगा, या तो डीमोल करते हुए तकलीफ होगी। तो इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। ये तैयार हो चुका है, अब हम प्रीहीट करेंगे। मैं यहाँ कढ़ाई में बेक करने वाली हूँ, इसलिए मैं एक कढ़ाई लूँगी। इस पर स्टैंड रख के लिड को बंद करके इसे करीबन 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट करूँगी। अब प्रीमिक्स देख लेते हैं। हाफ के जी के केक के लिए हमें 1 + 1/4 कप का प्रीमिक्स चाहिए। ये वेनिला प्रीमिक्स है बटरफ्लाई कंपनी का। इसे मैं आपको स्केल में बताऊंगी कि ये 1 + 1/4 कप एक्चुअल में 170 ग्राम जितना होता है। ये देखिए, ये बोल रख दिया है मैंने, और दोनों प्रीमिक्स जो मैंने कप में लिए हैं उसे मैं इसमें मेजर करके आपको बताऊँगी। ये इसमें डाल दिया मैंने, ये करीबन 170 जितना है। ये देखिए 168 70, ये देखिए कम से कम मतलब 170 है। तो आपको अगर ग्राम के हिसाब से लेना है तो 170 ग्राम लेना पड़ेगा हाफ के जी केक के लिए, और अगर कप से देखना है तो 1 + 1/4 कप आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैंने इसे बोल में ले लिया है, और अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। साथ में ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ फॉर्चून लाइट कुकिंग ऑयल, जो मैं घर में इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसी को ऐड करूँगी, करीबन बड़ा 1 चम्मच। ध्यान रहे कोई भी ऐसा ऑयल ना यूज़ करें जिसकी स्मेल या टेस्ट बहुत ही हार्ड है, यानी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर केक को ख़राब कर देती हैं। केक में वही स्मेल और टेस्ट बैठ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए, पहले मैंने हाफ कप जितना पानी लिया है, ये 100 ml वाला कप है। इसे हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। पानी हमेशा ध्यान रख के धीरे धीरे ऐड करें, चीज़ों को मिक्स करते रहिए। मैंने ज़्यादा यहाँ एडिटिंग नहीं की है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग कितना पानी लेना है एग्जैक्टली, और किस तरह से आपको चीज़ों को मिक्स करना है। बस लाइट हैंड रखिए और मिक्स करते रहिए। ये 100 ml का पानी मैंने यूज़ कर लिया है, हम और भी पानी लेंगे, पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये चम्मच हटा दूंगी, अभी एक विस्क लेके इसे मिक्स करते रहेंगे और पानी लेंगे। ये 1/4 कप और मैंने पानी लिया है, यानी पहले मैंने हाफ कप लिया था, अभी और 1/4, उसे भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और बैटर को मिक्स करते रहेंगे एक ही डायरेक्शन में। मतलब टोटली मैंने 3/4 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है हाफ के जी केक के लिए। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते रहिए। ये बचा हुआ पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, मतलब टोटल 3/4 कप पानी हो चुका है। ध्यान रहे, पानी ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कम या ज़्यादा, क्योंकि वो प्रीमिक्स आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, कितना पुराना है, वो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया, बैटर रेडी है हमारा। देखिए, स्पैचुला से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और ये देखिए जैसे हम उसे उठाएंगे तो नीचे इस तरह से आना चाहिए। ये देखिए, कुछ लम्स नहीं है, कुछ नहीं है, आसानी से गिर रहा है बैटर, एकदम फ्री फ्लो है।
तो इसका मतलब बैटर रेडी है और एक्चुअल में ऐसा बैटर होना चाहिए। तो अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। ये ग्रीस के हुए टिन में इसे मैं डाल दूंगी। इसे 2 से 3 बार टैप कर लीजिए क्योंकि कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। और अब हम इसे बेक करेंगे। जो प्री हीट की हुई कढ़ाई थी इसमें मैं रख दूंगी। लिड को बस बंद कर दीजिए और इसे करीबन 25 से 30 मिनट के लिए एकदम लो सिम पे बेक होने दें, एकदम स्लो, मीडियम नहीं एकदम स्लो। तभी ये अच्छे से बेक होगा और उसे टाइम लगेगा तो एटलीस्ट हाफ एन आवर। उसके पहले आपको 15 मिनट ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी नहीं खोलना है, नहीं तो केक बीच में से बैठ जाएगा। ये देखिए 30 मिनट्स हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेंगे। मैं चेक करने के लिए सिर्फ आपको ऊपर से देखिए इस तरह से बता रही हूँ। मैंने टच किया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, मतलब ये अच्छे से बेक हो चुका है। आप चाहे तो टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से पहले ठंडा करेंगे, इसके बाद ही हम इसे अनमोल्ड करेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। नाइफ को इस तरह से घुमाना है बस और ये आसानी से निकल आएगा। मैं इसे केक मोड पे निकाल रही हूँ। ये देखिए केक अच्छे से ठंडा होगा तभी जाके ये अच्छे से निकल आएगा। ये देखिए कितना मज़ेदार केक बना है, यकीन मानिए इतना सॉफ्ट है। तो अब आप ट्राई करिए कि बाहर के केक्स आप घर में लाने बंद करें और खुद ही बनाएं। इतने आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए आपका केक कैसा बना। मेरे चैनल पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखना पसंद करोगे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें पहले।